देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी जिसने अपने आप को क्लेम कर लिया या बड़ी मेहनतों के बाद बेचारी वहां तक पहुंच पाई है, तो अगर उसको एहसास नहीं है कि विपक्ष होना किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग, हम जैसे लोग जो काम करते हैं सड़कों पे, हम जैसे लोग जो रोज़गार से लेके, हम जैसे लोग जो शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य लेके सड़कों पे लड़ाई लड़ते हैं, तो हमें लगता है, अभी तक हमें यही लगता है 10-15 साल से, कि विपक्ष की भूमिका हम ही निभा रहे हैं। तो विपक्ष को जगाने के लिए और उनसे, हर पार्टी से, ये विपक्ष में जितनी भी पार्टी हैं, सबसे शुरुआत होगी, सबसे पहले जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है उसका दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। जो गफलत की नींद में ये लोग सो रहे हैं, जो इनको ये लग रहा है कि कोई करिश्मा होगा और एकदम से चीज़ें पलट जाएंगी, और कोई जिस तरीके से मोदी जी का अवतार है, ऐसा कोई अवतार आएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी, वोट चोरी करने वाली मशीन है वो भी नहीं रहेगी, और इस तरीके से हमारे आगे वोटों की चोरी भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपने हरियाणा चुनाव देखे, अन्य राज्यों में आपने चुनाव देखे, फिर आप ही में से कुछ लोग ये बात कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में फिर कैसे जीत हुई, आप फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं जीते। लेकिन ये भली भांति भ्रष्ट जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानती है कहाँ उसे अपनी सरकार बनानी है, कितनी परसेंट वोट चाहिए बहुमत में आने के लिए और कितने परसेंट नहीं चाहिए, ताकि ये एक इल्ज़ाम हम पे ना लगे, मशीन से ही आते तो वो हर जगह आ जाते। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग इन लोगों को जगाने के लिए पहुँचे। सबसे पहले हम शुरुआत करें AICC से, उसके बाद हम हर पार्टी के पास, चाहे वो दिल्ली में, अभी आप केजरीवाल जी का जो डंका बज रहा है आप देख रहे होंगे दिल्ली सरकार में, जिस तरीके से उनकी पोल पट्टी उन्हीं के नेता खोल रही है इस तरीके से, क्योंकि इनके, इन्होंने जितने कारनामे करने थे, करतूतें करनी थी, सब सारी चीज़ें सबके सामने हैं। और ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टी से मदद मांगी जाएगी सड़क पे आने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ अगर हम सोचे कि स्टैंड अलोन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा, हम तो खड़े ही हैं, हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, हम लोगों ने तो चुनाव भी लड़ा, और आपने देखा कि आप सभी लोग प्राचा जी के चुनाव में थे, हमारे पास तमाम सबूत है, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सड़क पर भी लड़ रहे हैं। लेकिन अब हमने भी ये सोचा है कि सड़क पर हम लड़ेंगे, हर चीज़ हम करेंगे, मार भी हम खा रहे हैं, डंडे भी हम खा रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं और पर्चे भी हम झेल रहे हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो, किस लिए विपक्ष हो? MLA MP बनने के लिए, बड़े बड़े बंगलों में बैठने के लिए हो? सिर्फ यही जिम्मेदारी है तुम लोगों की? तुम लोगों की जिम्मेदारी असली है तो सेंसिटिव इश्यूज पे, जहां हमारे वोट की चोरी होती है, जहां हमें बोला जाता है कि बटोगे तो कटोगे, इस तरीके से दहशत के उग्र नारे फैलाए जाते हैं, हमारे आए दिन बहन बेटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं, और खुद जो अपराध कर रहे हैं, कभी आप कहते हो कि मुल्ले काटे जाएंगे, कभी आप खुलेआम, अगर आप नोएडा में, ये आपको बात क्यों बताना जरूरी है, मैं आपको भी बता दूं, नोएडा बॉर्डर पे आप एंटर करते हैं, जैसे ही आप बॉर्डर पार करते हैं, इतनी बड़ी, पूरी जितनी मेरे पीछे वॉल है, इतनी बड़ी होर्डिंग लगी है और उस पर लिखा है बटोगे तो कटोगे। ये एक CM की भाषा है। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके देश के प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर आपके देश के इस तरीके के लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें? कटोगे मतलब क्या? आप दहशत फैला रहे हो, आप मुँह से उग्र बातें कर रहे हो। इस तरीके की सरकारें चाहिए हमें? इस तरीके के चीफ मिनिस्टर चाहिए हमें? ये सिर्फ और सिर्फ कीमती वोट चोरी करके वहाँ बैठे हैं, और हम लोग जो, जिनको एहसास है कि हमारा वोट हमारे लिए कितना कीमती है, अगर सरकार हमारी मर्जी की आएगी, लोग हमारी मर्जी के होंगे सत्ता में बैठे हुए, तो हमारी कितनी समस्याओं का हल हो सकता है, और हल तो छोड़ो, दूर की बात समस्या है, हमें जीने का अधिकार हो सकता है, हम जी सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, हम इसके बाद हमारी पूरी लिस्ट, पूरा प्लान तैयार है। हम ऐसे ही BSP के, बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस के बाहर जाएंगे, उनसे मदद मांगी जाएगी, क्योंकि हमें ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, जिनके ज़मीन पे, जो आपने जब देखा होगा हरियाणा में जब उनकी रैलीज हुई तो लोगों की भीड़ देखो, अटेली विधानसभा में जीतते जीतते हराया, किसने हराया? एक सीट क्योंकि EVM थी इसलिए हार गई BSP ऑलमोस्ट 2500 वोटों से। तो ऐसे हर पार्टी से एक्सपोज भी किया जाएगा, जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ पे क्या कर रही है आपको दिख रहा है, और उनको, उनका साथ भी मांगा जाएगा कि सिर्फ ड्रामा मत करो। और तुम्हें अगर समझ में नहीं आता कि विपक्ष होना क्या होना होता है, विपक्ष होने का मतलब देश में कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, विपक्ष होने का मतलब सरकार को जीने मत दो, सरकार जहाँ तुम्हारा हक खा रही है उस हक को छीन कर लेकर आओ, सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर की फोटोएं उठाकर, बड़ी बड़ी रैलीज निकाल कर, दलित आदिवासियों के बारे में अच्छा बोलकर, दलित मेमोरेंडम को पेश कर, और पूरी कोई चीज़ें नहीं करनी, जहाँ जहाँ पर इनकी सरकार है वहाँ वहाँ SC ST सब प्लान की पालना नहीं हो रही, इन सबको जगाया जाएगा। तो उस जगाने के लिए एक इनिशिएटिव जो है वो हमारा 15 तारीख को है, कि इस मशीन को बंद करना है, ताकि हमारा कीमती वोट किस चोर की जेब में जा रहा है और कौन चोर वहाँ बैठ रहा है, इनसे मांग मांगी जाएगी कि आओ हमें सपोर्ट करो। और इनकी मैं स्पष्ट बोलने के लिए जानी जाती हूँ, और मैं ये प्राचा साहब जी को भी कह देती हूँ यहाँ पर कि सर, हमें आने वाले टाइम पर आप देखोगे कि इनकी मजबूरी बन जाएंगे हम, कि अगर इनको समझ में नहीं आ रही तो मैं ये वादा करती हूँ हम इन्हें सांस नहीं लेने देंगे, और इनका सांस, हाँ, विपक्ष कमजोर लग रहा है क्या आपको? विपक्ष मरा हुआ लग रहा है मुझे, तो कमजोर नहीं, मरा हुआ,
विपक्ष सिर्फ मार्केटिंग करने में लग रहा है और विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। तो इसलिए अगर अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले, मेरी तो रिक्वेस्ट है, हम बहुत प्यार से जा रहे हैं, हम कोई लड़ने नहीं जा रहे, हमारा एक पीसफुल मीटिंग है, हम उनको ये एक जिसे कहते हैं ना एक इनविटेशन दे रहे हैं, जा रहे हैं कि मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से वी आर ऑन दी रोड, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम सड़क पर उतरे हैं और हमने सबके लिए एक जिस मुहिम को हम लेकर जा रहे हैं, आपको मैं आपके बीच में वो भी सुना देती हूँ, स्लीपर सेल को दूर भगाओ, कांग्रेस पार्टी सामने आओ। अभी क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए उससे सवाल किया जा रहा है, स्लीपर सेल को दूर भगाओ, कांग्रेस पार्टी सामने आओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, जनता का तुम साथ निभाओ, देश संविधान दोनों बचाओ। तो इसलिए अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को मतलब कि कंट्री को नहीं, लोगों को बचाना है, बटने और कटने जैसे दहशतगर्द लोगों को हटाना है तो सड़क पे आना है, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। नो नो नो, एवरीबॉडी जिम्मेदार, इट्स जस्ट दैट कि इट इज़ वन नेता जो अपने आप को क्लेम करते हैं और हो भी गया कि मैं विपक्ष की सबसे बड़ी, यू नो, एक ऑपोजिशन पार्टी का टैग उनके पास है। सो ऑपोजिशन पार्टी का टैग होना डज नॉट मीन कि आप ऑपोजिशन पार्टी के ऐसे MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं और आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सिर्फ नैरेटिव क्रिएट करेंगे एंड ऑन ग्राउंड यू आर जीरो। सो इसलिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने जिसने ये क्लेम कर रही है अपने आप को, उसका दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। देन एवरी पार्टी, वेदर इट इज़ रीजनल पार्टी, छोटी पार्टी, मेरे सामने तो तीन बड़ी बड़ी पार्टीज हैं अभी, दो, एक दिल्ली की सरकार होगी, एक कांग्रेस पार्टी होगी, एक बहुजन समाज पार्टी होगी, जिनका कैडर है, जिनके लोग हैं, जिनकी रैलीज में भीड़ देखो आप, जिनके पास इतना लोग बाग और वो हार जाते हैं EVM की वजह से। कोई ग्राफ नहीं गिर रहा है, ग्राफ को गिराया जा रहा है, मीडिया नैरेटिव क्रिएट कर रही है, सीधी सी बात है, जिनके पास इतने लोग बाग हैं, जिसके पास इतना कैडर मजबूत है, जिनके इतने लोग सड़कों पे हैं, कोई ग्राफ नहीं गिर रहा ये। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा कैमरा नीचे करिए, आंखों में देख के बात कीजिए, दोबारा प्लीज़ आप ये मत कहिएगा कि ग्राफ गिर रहा है बहुजन समाज पार्टी का, ऐसा कोई ग्राफ नहीं। देखिए देखिए आंकड़ों से बात करी, खत्म हो रही है, सुनिए, जो आप खत्म कह रहे हो ना, जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हो, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ पहली बात, ठीक है, लेकिन मैं जो आपको कि हम लड़ रहे हैं, से लड़ने हाँ, वाले हैं, विपक्ष से लड़ेंगे ये लोग, अब कौन विपक्ष से लड़ेंगे, से लड़ते हम विपक्ष को जगा रहे हैं, विपक्ष का साथ मांग रहे हैं, वी आर नॉट फाइटिंग विद देम, वी हैव, देखिए जब आपको पता है ना, पॉलिटिक्स का एक रूल होता है, जितनी मैं समझ सकी हूँ अपनी छोटी सी उम्र में, कि जब आपके सामने बड़ा दुश्मन है ना, तो छोटे छोटे दुश्मनों से या छोटे छोटे लोगों से बेशक वो आपका हाथ हक खा रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला के बड़े दुश्मन को मारो। जो आपने कहा ना भाई साहब सवाल, ये नैरेटिव क्रिएट करना बहुत आसान है कि आपका तो ये नहीं है, ये इसका तो ग्राफ गिरा जा रहा है, ये कहना बहुत आसान है, जब आपकी मेहनत, आपके लोग, आपका वोट, आपको पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, जब आपके विनिंग पार्टी के वोट सारे EVM खुलने के बाद चले जाते हैं भ्रष्ट जनता पार्टी को, BJP को, तो फिर आप क्या करोगे, आप तो यही कहोगे कि ग्राफ गिर रहा है। चुनाव भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ूंगी, जब जब मन करेगा लड़ूंगी, डेमोक्रेसी है, मेरा हक है, नहीं दिल्ली में नहीं लड़ूंगी मैं, दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ूं। आप लोग नफरत करते हैं क्योंकि आपने कहा कि BJP को जीने नहीं देना, विपक्ष का ही काम होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय BJP? हम विचारधारा जो उनकी है मनुवाद की, उससे नफरत करते हैं, विचारधारा BJP में, तो भाईचारे की बात, तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हरिजनों की बस्ती में। तुम मेरे से भाईचारे की बात करोगी, जब मैं तुम्हें बोलूंगी कटोगी, मेरे से बकवास करोगी तो कटोगी, करोगी, हम सब बिल्कुल, तुम लोग ज्यादा समझ रहे हो, हम लोग नहीं समझ पा रहे हो भाई, ऐसी एकता अंग्रेजों को दे जाके, ऐसी एकता हमें नहीं चाहिए, इस तरीके की एकता जहाँ पे चाहिए आपको। योगी जी कह रहे हैं हरिजनों की बस्ती में जाता हूँ, और पहली बात है हरिजन कौन, सॉरी हु इज हरिजन, वी आर अम्बेडकर राइट्स, बेटर यू कॉल अस दलित, दलित एक अम्ब्रेला ब्लैंकेट पिक्चर एक है जो हमें एक बड़ी अच्छी आइडेंटिटी हमें मिली है, जिस आइडेंटिटी ने ये कहा है कि जितनी भी ऑप्रेस्ड है, जितने भी मार्जिलाइज्ड हैं, चाहे आप जाट है, चाहे आप गुजर है, चाहे आप किसान है, चाहे आप महिला है, जिनके पास अधिकार नहीं, जिनका शोषण होता है, एवरीबडी इज दलित, राइट, आई एक्सेप्ट माई आइडेंटिटी। तो हरिजन वो क्या है, वो गांधी जी जाने, हरिजन कौन है तो वो योगी जी जाने, हाँ तो आप सब राक्षस के हैं, हम भगवान के तो आप राक्षस के हैं, इफ यू वेलकम योर सेल्फ एज राक्षस के तो आई डोंट माइंड। सो आप 85% पीपल्स को कहाँ देखते हैं, 85% जनता है, जो बहुजन समाज है, वो कहाँ पे? जस्ट नाउ प्राचा जी सेड कि वी आर 92, ऑलमोस्ट 92 प्लस, अगर आज सेंसस होता है, और सेंसस है हमारे सामने, तो कहाँ देखते हैं ना, वहीं देखते हैं कि कुछ मुट्ठी परसेंट लोग, 10 से 20 लोग जो हैं वो सत्ता में पूरा काबिज करके बैठे हैं, वेल्थ से लेके जमीन के अंदर क्या है, रिसोर्सेज नीचे जमीन के कितना, ऊपर कितना है, इवन अंडर वाटर, एवरीथिंग उनके कंट्रोल में है, हमारे पास कुछ नहीं है, एकमात्र एजुकेशन हमारा सहारा था, वो भी इतनी महंगी कर दी दैट वी आर
वी आर स्टैंडिंग टुडे, जिसे कहते हैं ना जीरो भी नहीं, वो भी लिमिट नहीं हमारी, हम खत्म है। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए जब पानी यहाँ आ गए तो भाई फड़फड़ाएंगे ना, साथ मांगेंगे ना, तो हमारी इतनी बद से बदतर स्थिति है। तो इसलिए ये जो झूठे नैरेटिव अरबों रुपए खर्च के मीडिया से क्रिएट किए जाते हैं कि ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो खत्म हो गए हैं, हमें दिखाना है कि सड़कें सबसे मजबूत है, हमें दिखाना है जनता की अदालत सबसे अब मजबूत है। और इसीलिए ये विरोध दर्ज करवाना हर बार जरूरी होता है। अगर आप चुप हो जाएंगे तो वो तो आवारा हो जाएंगे ना, तो आपको सड़क को सुनसान नहीं रहने देना ना भाई, वहां पे अपना विरोध दर्ज करवाइए। और असली ऑपोजिशन हम और आप मीडिया है, सोशल मीडिया। इसलिए जो ऑपोजिशन कहते हैं कि मायावती जी बाहर क्यों आएंगी सड़क पर, कौन विरोधी आपके कहते हैं बहन जी बाहर क्यों नहीं आ रही? अच्छा, तो विरोधियों को कहो कि एक काम करो, पहले तुम बाहर आओ तो फिर हम वो भी आ जाएंगे बाहर, वो तो आ जाए बाहर। गांधी की हरिजन, देखिए इसमें आज कम से कम मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम बसपा को भी सब पार्टियों को ये कह रहे हैं कि सब पार्टियों के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं ना, करेक्ट, सबसे बुनियादी मुद्दा ये है, क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, राहुल गांधी जी हो जाएं चाहे मायावती जी हो जाए, अखिलेश जी हो जाएं, क्या वो ये चाहेंगे कि आरएसएस और बीजेपी पूरे देश को लूट के समाप्त कर दे? कोई नहीं चाहेगा, लेकिन उनके अंदर जो घुसे हुए स्लीपर सेल्स हैं ना, वो ये चाहते हैं। और हम हमारी जो मुहिम है ना बड़ी स्लीपर सेल्स को हटाने की है। अगर हमने पार्टीज की ये जो अंदर घुसे हुए स्लीपर सेल्स, पैरासाइट्स और बैक्टीरिया है ना, इसको हटा दिया, तो मैं ये समझता हूँ हमारे सारे काम आगे आने वाले बहुत आसान है। बहुत अच्छी बात भाई साहब, एकदम चुप रहे हैं ना, जब कोई बात चल रही होती है थोड़ा चुप रहे, काट दीजिएगा। अभी ना आपके साथ बुद्धिजीवियों का होना और साइंटिफिक टेम्परामेंट होना ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई एम सो प्राउड, और मैं बड़ा प्राइड फील करती हूँ सर, जो आपने अभी बात बोली और इस तरीके का इंटेलेक्ट और एक लीगली एक समझ होना। सर ने कहा कि पैरासाइट, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस तरीके के दीमक जो है ना मठाधीश, डेफिनेटली दे आर इन बहुजन समाज पार्टी। और आपकी बात को मैं पूरी, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा है ना, मैं उनके एक एक सिद्धांत को फॉलो करती हूँ। मैं मूर्ख नहीं बनती पॉलिटिक्स में, मैं देख के किसी चीज़ को, कहता ना इनजस्टिस आपके सामने हो रहा है और आप चुप करके खड़े हो तो आप भी उतना ही बड़ा अपराध कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। बिल्कुल है ऐसे दीमक जो सिर्फ धंधा कर रहे हैं, जो सिर्फ पैसे को मैनिपुलेट करके रियलिटी क्या है वो ऊपर तक पहुँचने नहीं देते। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके सामने फ्यूचर में आएंगी जो ठीक होंगी, बट डेफिनेटली इस तरीके के स्लीपर सेल, इस तरीके के गंदे लोग मौजूद हैं। इसीलिए पार्टी को जो मतलब तोड़ने की, छोटी करने की स्तर कोशिश करते हैं, उन लोगों का डेफिनेटली इलाज किया जाएगा एज लॉन्ग एज वी आर देयर।